भारी है। हमारे यहाँ एक बुलडोजर काफी है बाबा जी का। पाकिस्तान को होश में आ जाना चाहिए, ये बाबा जी का बुलडोजर बख्शीश नहीं करेगा। अगर मुसलमान की तरफ देखने की कोशिश की, पाकिस्तान के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, तो बाबा जी का बुलडोजर करीब नहीं है। नहीं, मुसलमान सन्नी देओल की फिल्म तो बिल्कुल चाके देखता है, वो तो लड़की सी लगता है शाहरुख खान मुझे। वो मर्द है। अरे सारे सन्नी देओल शेर है, जैसे हमारा नरेंद्र मोदी शेर है, जैसे हमारा बाबा शेर है, ऐसे सन्नी देओल शेर है। वो तो छक्का सा लगता है, वो हिजड़ा सा लगता है, वो लड़की सी लगता है। अगले मूवी अगले महीने में जवान पिक्चर आ रहा है, जवान। इसके जैसे पांच चार और पैदा हो गए तो पाकिस्तान हिंदुस्तान में घुस जाएगा। ये सन्नी देओल की दहशत है, जो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं पड़ती नजर उठाने की भी, और हिंदुस्तान की तरफ घुसने की हिम्मत नहीं पड़ती। ये सिर्फ सन्नी देओल की देन है, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है, ये बाबा जी की देन है। सन्नी देओल के डायलॉग एक बाबा जी के बुलडोजर की तरह काम करता है। गदर 2 ने सिनेमा हॉल पे गदर मचा रखा है। 5 दिनों के अंदर ही 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुका है गदर 2। और कई बॉलीवुड के जो भी समर्थक हैं या फिर जो भी खान के समर्थक हैं, उनका कहना है कि ये उतना कमाई नहीं कर पाएगा जितना शाहरुख खान की पिक्चर पठान कर पाई थी। लेकिन हम जो दर्शक देख के निकल रहे हैं, उनसे जानेंगे कि कैसा मूवी है और क्या इस मूवी को ऑस्कर में जाना चाहिए या नहीं। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है जी। गुलशेर जी, आपने गदर 2 देखा? बिल्कुल देखा है। मैं कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं इन्हें क्या देखा, पूरा देशवासी देख रहे, पूरा देश देख रहा इस पिक्चर को। ये शाहरुख खान की फिल्म नहीं है जो हिंसा के नफरत की बात करते हैं, देश तोड़ने की बात क्या परिवार में नहीं देख सकते। सन्नी देओल की फिल्म आप परिवार के अंदर बैठ कर देख सकते हो, और पूरा परिवार देख रहा है, पूरा 140 करोड़ देशवासी सब देख रहे हैं इस फिल्म को। बहुत अच्छी फिल्म है, आपने देखा होगा। उन्होंने ये भी इसमें दिखाया है। मैं मानता हूँ इससे अच्छी फिल्म अब तक शायद कोई ना आई हो। इससे अच्छी फिल्म आई नहीं है बॉलीवुड तक, कोई आई नहीं है, क्योंकि सन्नी देओल ने बिल्कुल हाक अदा कर दिया। जो उसमें दिखाया गदर पिक्चर में, बिल्कुल ही हाक अदा करके दिखा दिया सन्नी देओल ने, क्योंकि वो सच्चा भारतीय है। उसने ये दिखा दिया मैं भारत का हूँ, भारत भारतीय हूँ, ये पाकिस्तान के मुसलमान को दिखा दिया उसने। अच्छा, उसमें एक डायलॉग भी है कि जब पाकिस्तानी कह रहे हैं अगला जुम्मा दिल्ली में, जो फिल्म में दिखाया गया है, क्या कहना है आपका? देखिए, वो तो उनकी बात सही है अगला जुमा दिल्ली में, लेकिन बाबा जी का बुलडोजर बड़ा सख्त है, उन्हें दहशत है, कहीं ऐसा ना हो बाबा जी का बुलडोजर आ जाए, उन्हें डर है। क्योंकि उन्हें अगर दहशत है तो नरेंद्र मोदी जी की है, अगर दहशत है तो बाबा जी के बुलडोजर की है। अगर बाबा जी का बुलडोजर ना होता तो अब तक पाकिस्तान भारत के अंदर होता। अगर कांग्रेस की सरकार आ गई, मैं पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कह रहा हूँ हिंदू भाई से, पाकिस्तान की कोई कमी नहीं है भारत में घुसने की। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की दहशत है, और ये बाबा जी के बुलडोजर की दहशत है, जो उसकी हिम्मत नहीं पड़ पा रही भारत की सीमा पे भी पैर रखने की। ये इतनी दहशत है, आज कोई सी कंट्री की हिम्मत नहीं है नजर से उठाकर बात कर ले। 56 कंट्रियां है, 56 की कंट्रियां नीचे नजर झुकाकर बात करती है, क्योंकि उन्हें पता बाबा जी का बुलडोजर तैयार है, नरेंद्र मोदी जी तैयार है। ये भारत का नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया। आज इतनी बॉर्डरों पे इतनी बुरी स्थिति थी, सारे देश हमारे देश में घुसने बिल्कुल घुसने के लिए तैयार थे, पाकिस्तान बिल्कुल भारत की सीमा पे आ गया था, लेकिन जब से बाबा जी का बुलडोजर आया और नरेंद्र मोदी जी आए, आज पाकिस्तान को भी दहशत है, रात को सो नहीं पा रहा, उसे पता कहीं बाबा जी का बुलडोजर यहाँ ना जाए। हाँ, अच्छा, गदर 2 देख के जो अभी लोग निकल रहे थे, वो कह रहे थे गदर 2 जो पिक्चर है वो भारत पाकिस्तान के रिश्ते को खराब कर रहा है, आपसी संबंध को खराब कर रहा है, आपको लग रहा है ऐसा? देखिए, भारत सन्नी देओल ने जो पिक्चर बनाई है वो वास्तव में पूर्ण रूप से बहुत आज के यंग को, युवाओं को पूर्ण रूप से इस फिल्म को देखना चाहिए, जागरूकता पैदा होगी, शिक्षा आएगी उससे, दिमाग की सहन शक्ति अच्छी होगी, क्योंकि जो उनकी मानसिकता है पाकिस्तान के लोगों की, पत्थरबाजी करना, हिंसा करना, नफरत करना, वे हमारे भारत मुसलमान की तुलना करते हैं। अरे भारत का मुसलमान, जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है ये खुश तार खुश रहेगा, जब तक बाबा जी का बुलडोजर हमारे साथ है, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हमारी तरफ आंख उठाकर देख ले, क्योंकि बाबा जी का बुलडोजर आज हमारे साथ है। हाँ, लेकिन पाकिस्तानी तो कह रहा है कि जो हम एक पाकिस्तानी 100 हिंदुस्तानी पे भारी हैं। हमारे यहाँ एक बुलडोजर काफी है बाबा जी का। एक बाबा जी का बुलडोजर पूरे पाकिस्तान को तहस नहस कर देगा, मिट्टी में मिलाने का काम करेगा, वो बाबा जी का बुलडोजर करेगा। पाकिस्तान को होश में आ जाना चाहिए, ये बाबा जी का बुलडोजर बख्शीश नहीं करेगा।
बिल्कुल, अगर एक बार भी पाकिस्तान की तरफ कुचला गया तो पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कह रहा ये मिट्टी में मिला देगा, जैसे अतीक को मिट्टी में मिलाने का काम किया गया ऐसे पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। अगर एक बार भी नजर उठाकर देखने का काम किया भारत के मुसलमान की तरफ, अगर तुमने उंगली उठाने का काम किया तो बाबा जी का बुलडोजर पाकिस्तान के बॉर्डरों पे लगा दिया जाएगा और पाकिस्तान को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अच्छा, जो गदर टू पिक्चर है उसमें आपको सनी देओल जो है उसका बहुत मुस्लिम जो है जो विरोध कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये शाहरुख खान जो है ना वो बढ़िया एक्टिंग करते हैं और उनका मूवी बहुत बढ़िया आता है, तो क्या मुसलमान सनी देओल की मूवी नहीं देखता है? नहीं, मुसलमान सनी देओल की फिल्म तो बिल्कुल चाह के देखता है, वो तो लड़की सी लगता है शाहरुख खान मुझे, वो मर्द है। अरे सारे सनी देओल शेर है, जैसे हमारा नरेंद्र मोदी शेर है, जैसे हमारा बाबा शेर है, ऐसे सनी देओल शेर है। वो तो छक्का सा लगता है, वो हिजड़ा सा लगता है, वो लड़की सी लगता है, वो हीरो है शाहरुख खान। अरे हीरो तो कि वो लड़की सी लगता है, वो आपको मर्द नहीं दिख रहा है, लेकिन अगले मूवी अगले महीने में जवान पिक्चर आ रहा है, जवान। इसके जैसे पांच चार और पैदा हो गए तो पाकिस्तान हिंदुस्तान में घुस आएगा। ये सनी देओल की दहशत है जो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं पड़ती नजर उठाने की भी, और हिंदुस्तान की तरफ घुसने की हिम्मत नहीं पड़ती। ये सिर्फ सनी देओल की देन है, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है, ये बाबा जी की देन है। अगर मुसलमान की तरफ देखने की कोशिश की, पाकिस्तान के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ तो बाबा जी का बुलडोजर करीब नहीं है, वो डरता है आज भारत के मुसलमान को छेड़ने से, घबराता है, दहशत में है। उन्हें पता है बाबा जी का बुलडोजर मुसलमान के साथ है, बाबा जी मुसलमान के साथ है। तो पूर्ण रूप से सनी देओल की पिक्चर में 140 करोड़ देशवासियों से कहना चाहता हूँ आप इस फिल्म को देखिए, क्योंकि सनी देओल एक शेर है, जैसे मोदी शेर है, जैसे बाबा जी शेर है, ऐसे एक सनी देओल शेर है। क्योंकि सनी देओल ने कहा था तुम्हारे पास रहने की हैसियत की जगह नहीं है, बात तुम गोले बारूद की करते हो, अरे त्रिपाल के पैसे हम देते, सर छुपाने के लिए तुम्हारे पास त्रिपाल और पैसे नहीं है, वो भी भारत देने के लिए। सनी देओल ने कहा था वो डायलॉग, गोले बारूद की बात करते हैं, बरसात में छुपने की जगह नहीं है। तो ये सनी देओल तो शेर है, ये तो भारत के युवाओं के दिल में छा हुआ है, हर मुस्लिम के बच्चे के घर घर में सनी देओल का मुंह नाम है। क्योंकि वो लुगाई की तरह काम नहीं करता, वो तो मर्द की तरह काम करता है, जैसे नरेंद्र मोदी पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं, जैसे बाबा जी पूरे देश के लिए बुलडोजर चलाने का काम कर रहे, ऐसे सनी देओल भी बाबा जी की तरह काम करता है। उसका सनी देओल के डायलॉग एक बाबा जी के बुलडोजर की तरह काम करता है। सनी देओल और शाहरुख खान में आपको अगर यदि चूज करना हो तो बेस्ट हीरो कौन सा है? सनी देओल है, वो तो लड़की सी लगती है शाहरुख खान तो। अरे सनी देओल तो मर्द लगता है, वो लड़की सी लगती है, खोती सी है, तो मैं उसे पसंद ही नहीं करता कोई भारत का आदमी। वो तो पता नहीं मुकालते से उसकी फिल्म क्यों चली गई। मैं पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कह रहा 200 करोड़ पार कर दिए, ये 1000 करोड़ को पार करके दिखाएंगे हम, क्योंकि मुस्लिम 1000 करोड़ पार करके दिखाएंगे, क्योंकि ये सनी देओल जैसा मर्द शेर का बच्चा नहीं आएगा। बॉलीवुड का आखिरी फुल सबसे बड़ा जो स्टार है, सुपर स्टार है, वो सनी देओल ही रहेंगे। और वैसे भी जो बॉलीवुड है वो समाप्ति की ओर आ चुकी है, लगभग बैन हो चुका है, पब्लिक तो अब देखना बंद कर। देखिए सनी देओल की गदर टू है, जब मैंने गदर वन देखी थी ना तो भाई साहब ऐसा लगा था पाकिस्तान में घुस के जाऊं और वहां की आर्मी को मुर्गा बना के लाऊं यहाँ पे। पाकिस्तानी आर्मी को जिस दिन हम हिंदुस्तानी मुर्गा बना के नाक रगड़ने के लिए मजबूर नहीं करेंगे ना, तब तक हमें तसल्ली ना मिलने की। और सुनिए, हमने 65 करोड़ रुपए दिया था इन पाकिस्तानियों को, तब जाके इनके सर पे तलपाल आई थी। इनकी औकात नहीं बरसात से बचने की, और गोलीबारी की बात करते हैं ये लोग, और एक कागज पे मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? तारा को उसके प्यार से मिलने से, उसके बच्चे से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ना कोई ताकत रोक सकती, ना कोई सरहद। एक चीज और कहूंगा मैं, देखिए आप शाहरुख खान की और सनी देओल की तुलना कर रहे हो ना, तो सनी देओल एक मर्द है, मर्द एक्टर, और शाहरुख खान ना एक हिजड़ा है। हिजड़ा मतलब पता है, कहता है ऐसे बोलता है सिमरन, और सनी देओल बोलता है हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, और ये क्या बोलता है सिमरन? सर ये बता रहा हूँ, ऐसे शाहरुख खान ने अपनी बहन को जो लाहौर में रहती है उसको करोड़ों करोड़ रुपए दो बार दिए सर, कहाँ गया वो?
वो क्यों दी है, तो लाहौर मतलब पाकिस्तानी है ना, उसे खुद बोला था एक बार, उसने बताया था कि मेरी बहन वहाँ रहती है तो मैं पाकिस्तानी हूँ, वो दिल्ली का जरूर है, दिल्ली का नहीं है, पाकिस्तान से। दूसरी बात जो ये है सनी देओल जी, अभी वो अपनी आज तक के थ्रू मैं देख रहा था, वो गए थे वहाँ पे जहाँ से उन्होंने बॉर्डर पिक्चर पे काम किया था जिस जगह पे, तो वहाँ पे उन्होंने वो कहते हैं मेरे आंखों में आंसू आ गए, वो पिक्चर की याद आ गई बॉर्डर पिक्चर की, उनके दिल में देशभक्ति जगती है सर। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, जैसे परसों जो कहानी हुई है जो इन्होंने हमारे एक हमारे सॉरी गलत बोल गया